फ्रेंड्स, मैं फरीदा, आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। इस वक्त हम नेरुल में हैं। यहां पे काफ़ी समस्या है, एक बीमारी है SSP करके, जिससे काफ़ी लोग परेशान हैं। उसके बारे में हम जानते हैं कि काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, डिपार्टमेंट के पास काफ़ी जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई कहीं पर नहीं हो रही। हम इनसे जानते हैं। मैडम, आप बताइए कि ये बीमारी क्या है, क्या हुआ आपको? सर, एक्चुअली क्या है, इस बीमारी में बच्चा हाथ पैर का चलना और बोलना सब कुछ बंद हो जाता है। और एक ही अगर माना जाए तो एक बच्चा अगर जब बेड पर आता है तो पूरा परिवार टूट जाता है उससे। और अभी तो कैसा है, पेरेंट्स भी सुसाइड कर रहे हैं और डॉक्टर कहता है इसका इलाज नहीं है। और सडनली बच्चे धीरे धीरे आकर 10 दिन या 1 महीने में बेड पर आ जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। और इसके सिम्टम्स जो बताना चाह रहे हो, तो इसके मतलब इसका कैसा, हाथ पैर हिलता है, चलते चलते बच्चे गिरते हैं और झटके आते हैं और इतने कस के झटके आते हैं कि उसको मतलब पेरेंट्स भी बर्दाश्त नहीं कर सकते देखने के बाद। आपने अपने बच्चे को किसी हॉस्पिटल में पहले ट्रीटमेंट कराया? जी, मैंने कराया था, वाड़िया में करवाया था और वहाँ पे तो उसको डेथ घोषित कर दिए थे। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने डेथ बोल दिया? जी। उसके बाद हमें पता चला, फिर हम अंदर जाके उनसे जब मिले, अपने बच्चे को मैंने देखा तो ऐसे मेरे बच्चे की कंडीशन करे थे कि हम देख नहीं सकते थे अपने बच्चे को। पूरे कपड़े निकाल दिए थे उसके और मुंह में उसको वेंटिलेटर डाल के छोड़ दिए थे। और मुझे बाहर बोला गया था कि इसकी डेथ हो गई है आधे घंटे में। तो फिर मेरे को मतलब मैं खुद बेहोश हो गई थी वहाँ से। जब मुझे होश में आई तो मैं डॉक्टरों से लड़के अपने बच्चे को वहाँ से निकाल के मैं यहाँ लेके अपना मतलब हमारे नेहरुल में मंगल प्रभु हॉस्पिटल है उधर मैंने एडमिट करी। तो फिर 7 दिन में मेरा बच्चा वहाँ से रिकवर होके, थोड़ा टाइफाइड हुआ था उसको, फिर वो वापस आया ऐसा। अभी क्या हालत में है बच्चा आपका? अभी भी सर वैसे ही है, थोड़ा सा अगर बोले तो थोड़ा ठीक है। अभी उसके पीछे 27-28 लाख रुपया खर्चा हो गया है, बट लेकिन कैसा है, अभी थोड़ा सा स्टेबल है। मगर उसको हम कैसा स्टेबल नहीं बोल सकते जब तक हमें पूरा इसका परमानेंट दवाई ना निकले ऐसा है। बाकी अगर आप अभी किसी दूसरे हॉस्पिटल में अगर गए तो डॉक्टर ने क्या बोला, कौन सी बीमारी है और कैसे इसका इलाज करने के लिए? नहीं, वो उन्होंने बोला कि इसका इलाज कहीं नहीं है और आप यहाँ एडमिट मत करिए, और अगर आपको करना है तो आप अपने रिस्क पे करिए और हम इसकी जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ भी मरेगा घर पर भी मरेगा। तो आपने देखा कि हमने इनसे जाना कि इस बीमारी का क्या नाम है, इसका कोई इलाज नहीं। डॉक्टर सीधा क्लियर कट कहता है कि आप इसको एडमिट मत कराइए, अपने घर ही लेके जाइए। शब्द कितने बुरे लगेंगे कि आपका बच्चा यहाँ पर भी मरेगा और आपके घर पर भी मरेगा, कैसा सुनकर लगता होगा माँ बाप को यह शब्द। और हम जानते हैं यहाँ पे, सर हम आपसे जानना चाहेंगे आप क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक पे। नहीं सर, ये SSP बीमारी ऐसी है सर कि बच्चों का एकदम खतरनाक हालत होती है जी। और स्टार्ट में वो झटके आने लगते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, दिखना भी कम होता है, वो खाना पीना सब छोड़ देते हैं बच्चे। आपका नाम बताइए और आपका बच्चे? मेरा नाम माधव है। मेरे बच्चों को 1 साल हुआ है जी। जनवरी में हुआ था, अभी बच्चों को 1 साल हुआ है। आपने कौन से हॉस्पिटल में इलाज कराया? मैं वाड़िया गया, अपोलो गया, जसलोक गया, माँ लक्ष्मी के पास एक फाउंडेशन है उधर गया। सब लोगों का, न्यूरो वालों का एक ही कहना है कि इसके ऊपर कोई इलाज है ही नहीं, अपना बच्चा घर पे लेके जाओ और इसको संभालो, जब तक है तब तक है, ऐसा सबका कहना है। इसके ऊपर कोई अमेरिके तक पूरे वर्ल्ड में कुछ दवाई बनी नहीं है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। तो अभी हम लोग ऐसा बच्चे संभाल रहे, 20-20, 30-30 लाख रुपये डाल के बच्चों लोग अभी बेड पे। तो सरकार, हम लोगों ने एकनाथ शिंदे साहब CM है, उनको लेटर दिया, पूरे इंडिया में लेटर दिए, PM मोदी तक लेटर दिए, जो MLA जो सब है इधर मुंबई में सबके पास लेटर दिए, तो किसी ने लेटर का जवाब नहीं दिया। और बच्चों लोग की इतनी हालत ख़राब है अभी उनको तो वैक्सीन मांगता ही है, वैक्सीन देगा तभी बच्चे लोग ठीक होंगे। हमारा यही कहना है कि सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, इससे एक ही मांग है कि हमारे बच्चों के लिए कुछ तो रिसर्च करो, ये दवाई इतना खतरनाक है, आजार इतना खतरनाक है, रिसर्च करके हमारे बच्चों की जान बचाए। बाकी हम लोग का कुछ कहना नहीं है। और बच्चों को इतनी हालत ख़राब है कि ड्रग्स देना पड़ता है, नींद की गोली देना पड़ता है, तभी बच्चों लोग शांत रहते हैं, थोड़ा सोते हैं 1-1.5 घंटा, नहीं तो बच्चों की हालत अभी बहुत ख़राब है। ऐसे इंडिया में 1,90,000-1,00,000 के आसपास बच्चे हैं, अभी सबसे ज़्यादा बच्चे अभी महाराष्ट्र में सबसे लीड ज़्यादा SSP के। और ये SSP का आजार हम लोगों को मालूम नहीं है क्या है, कैसा होता है। न्यूरो वाले खाली बोल रहे हैं, न्यूरोलॉजिस्ट ये बोल रहे हैं कि ऐसा होता है, हम लोग इसकी वजह से उनको गोली बिली दे रहे, लेकिन वो गोली का, वो दवाई का भी कुछ असर नहीं है। तो आपने देखा, हमने इनसे बातचीत किया, इन्होंने बताया न्यूरो सर्जन जो डॉक्टर्स होते हैं वो कुछ हद तक इसकी बीमारी को रोकथाम के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना होता है कि इसका इलाज है ही नहीं।
तो सरकार से मांग होनी चाहिए कि सरकार इसके ऊपर ध्यान दे, रिसर्च करे। कुछ और भी व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, उनके बच्चे के बारे में बताइए। सर आपका नाम बताइए। अर्जुन भोरे जी, आपके फैमिली में क्या हुआ, किसको हुआ? मेरे भाई की लड़की को। उनको है ना, पहले बुखार आया, फिर हमने दवा दिखाई, फिर हमने रिपोर्ट सब निकाले। तो रिपोर्ट निकालने के बाद फिर RCF नाम का मैंने टेस्ट किया, तो उसमें SSP करके बीमारी निकला। ओके, तो वो बीमारी जो SSP बीमारी आपने बताई जो है, कौन से टेस्ट में? CRF टेस्ट का नाम है, जिसमें ये बीमारी पता चलती है। यस जी। तो उस पर हमको पता चला कि इसको SSP है, तो हमने ना न्यूरोलॉजिस्ट से हमने बात किया, तो हमने 2-3 तरह के डॉक्टरों को दिखाए, सबसे बड़े बड़े वाले जो भी है, तो उन लोग का सबका यही कहना है। आपने किस किस हॉस्पिटल में दिखाया? निरुल में, वाशी में। ओके। और अभी रिलायंस हॉस्पिटल जो ग्रांड रोड में है वो। ओके। इतना बड़ा हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल का डॉक्टर तो क्या बोले, इसके ऊपर इलाज ही नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट बोला। वो खुद इतना बड़ा आदमी जो 4-5 हज़ार फी लेते हैं, वो खुद बोला कि इस पर इलाज ही नहीं है। तो इलाज नहीं तो फिर क्या कर रहे हो तुम क्या कर रहे हो, इलाज नहीं है तो फिर। आपने देखा, हमने यहाँ पे बात किया, इनका कहना है कि रिलायंस जो कि इतने बड़े हॉस्पिटल माना जाता है, उनके डॉक्टरों का कहना होता है कि इसका इलाज नहीं है, सरकार इसके ऊपर ध्यान दे और जल्द से जल्द इलाज के लिए इसकी वैक्सीन बनाए। आप माता जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी फैमिली में किसको हुआ? वो हमारी पोती है। ओके। मेरे लड़के की छोकरी है। ओके। शादी रुकी थी, शादी का महीना हुआ है, जवान लड़की है, 10वीं पढ़े लिए है जी। माँ बाप अक्का दिन रात सोते नहीं, आक रात दिन फांसी लेकर झेर खाना ऐसा कर रहे बच्चे लोग मेरे सब। हमारा मुलाकात यह का है, 5 भाई में एक ही लड़की है, उसको 3 2 छोकरा 1 लड़की है। आपने कहाँ पे इलाज कराया, कौन से हॉस्पिटल? यही दवा में, यही पोती वाशी में। ओके। हमारे साथ और एक महिला जी है, उनसे भी हम बातचीत करें। मैडम आपका नाम बताइए। उसकी बेटी है। शीतल है मेरी लड़की है। ओके। थोड़ा जोर से बोलो। शीतल है मेरा नाम, हमारी मेरी लड़की है, हम वही डॉक्टर पे दिखाया, वो तो अब हम। आप डॉक्टर का नाम बताएंगे, कौन सा डॉक्टर है? अभी दिखा रहे हैं। हॉस्पिटल का नाम बताएंगे? निरंजन जैन। नीरज जैन करके डॉक्टर है, उनको आप इलाज के लिए उनके पास लेकर गए थे। उन्होंने क्या बोला? वो भी बोल रहे हैं इलाज नहीं है, जो दवाई वही खिलाओ। ओके। मतलब दवाई खिलाने के लिए क्या दिया उन्होंने, क्या रोकथाम के लिए क्या दवाई दिया, सब कुछ उन्होंने बताया? कुछ क्या नहीं, वो दवाई का मेरे को नाम मालूम है। ओके। तो आपने देखा कि हमने कई लोगों से यहाँ पे बातचीत किया जिनके बच्चे काफ़ी बीमार है। SSPE करके बीमारी काफ़ी महाराष्ट्र में फैल रही है। हम सरकार से निवेदन करेंगे कि इस बीमारी के ऊपर रिसर्च करें और जल्द से जल्द महाराष्ट्र की जनता को बचाए। धन्यवाद। क्या आप भी एक पत्रकार हैं या शुरू करना चाहते हैं अपना करियर मीडिया फील्ड में? क्या आप में जुनून है समस्याओं को उजागर करने का? क्या आप में जज्बा है लोगों को न्याय दिलाने का? तो आज ही जुड़िए देश के तेजी से बढ़ते न्यूज नेटवर्क राइट टू इन्फॉर्मेशन समाज की खबरें न्यूज एजेंसी के साथ। राइट टू इन्फॉर्मेशन समाज की खबरें न्यूज एजेंसी एक नेशनल हिंदी चैनल है। हमारे टीम में 100 से ज्यादा रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं। आप भी जुड़िए राइट टू इन्फॉर्मेशन समाज की खबरें न्यूज एजेंसी के साथ और बनाइए पत्रकारिता में अपना सफल करियर।